हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सेकंड फर्स्ट ट्राई हॉल, जो कि मुझे कुछ इस तरीके से कार्टन्स में रिसीव हुआ है। सो मैंने इससे पहले भी एक फर्स्ट ट्राई हॉल शेयर किया, जो कि मेरा फर्स्ट ट्राई हॉल था, एंड ये सेकंड है। एंड आप लोगों को वो फर्स्ट ट्राई हॉल पसंद आया था, एंड कुछ और भी स्टफ्स मैंने अभी के लिए भी लिए हैं। एंड उस लाइक जो फर्स्ट ट्राई हॉल मैंने शेयर किया था फर्स्ट टाइम, उसमें मैंने क्लोज एंड बेबी डायपर्स होते हैं वो वाली चीज़ें आप लोगों से शेयर की थी। अभी 9 मंथ उसके कंप्लीट हो गए हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें थी जो चाहिए थी, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ स्टफ्स है जो उसके लिए ऑर्डर किए फर्स्ट क्राई से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो प्राइसिंग डिटेल्स है मैं स्क्रीनशॉट यहाँ मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिए। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना प्राइस मैंने पे किया था, बट अभी जो रिसेंटली प्राइस चल रही है मैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें ली है अभी के लिए। सो फर्स्ट मैंने जो चीज़ ली है गाइस वो है सिप बॉटल लिया है मैंने, एंड ये कुछ इस तरीके से बहुत ही क्यूट सा आपको पर्पल कलर का मिल रहा है, एंड दिस इज़ ब्रांड फ्रॉम बेबी हग। एंड बेबी हग ब्रांड के मैंने और भी चीज़ें अभी के लिए लिए हैं, क्लोथ्स लिए थे, एंड साथ साथ में जो बेबी डायपर्स होते हैं क्लोथ डायपर्स वो लिया था। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है, कम्फर्टेबल रहते बच्चे उसमें। सो नेक्स्ट, बेबी हग में आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती है बच्चों से रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हैं। एंड जो फर्स्ट क्राई है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं चीज़ों के। सो कुछ इस तरीके से क्यूट सी बॉटल है, डबल हैंडल के साथ है, तो बच्चे बहुत इजीली इसे पानी या फिर मिल्क पी सकते हैं। जो क्वांटिटी है गाइस वो 240 ml की है, एंड कुछ इस तरीके से है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिक्योर रहता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, एंड बहुत ही क्यूट छोटा सा है, तो ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। एंड ये जो सिप है गाइस ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बच्चों के लिए अच्छा है, सिलिकन से बना है, तो बहुत इजीली वो इसे पानी या मिल्क पी सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट ये वाली बॉटल ली है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी मुझे। इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। मैंने अगेन एक सिप बॉटल ली है, एंड ये वाला जो बॉटल लिया था ये मैंने दो इसलिए लिए है, एक में पानी के लिए एंड एक में मिल्क के लिए। तो इसमें मैं पानी पिलाती हूँ उसे, क्योंकि ये क्या है ना, आपको मेजरमेंट के साथ मिलता है, आप इसमें मिल्क भी उसे दे सकते हैं इजीली। एंड इसके साथ आपको एक स्ट्रॉ भी मिल जाता है जो अगेन सिलिकन का है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देख सकते हो आप। तो अगर आपके बच्चे जिसमें भी कंफर्टेबल होते हैं पीने में तो वो उसको आप दे सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप दोनों कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है कैरी करना। एंड ये कुछ इस तरीके से प्रिंट में है, ये थोड़ा उल्टा हो गया है बट ये कुछ इस तरीके से है। एंड दिस इज़ ब्रांड फ्रॉम लव लैप, एंड ये अगेन आपको डबल हैंडल के साथ मिलता है, तो बच्चों को अच्छी ग्रिप मिल जाती है पकड़ के पीने में, एंड साथ साथ में ये जो हैंडल है गाइस इस तरीके से मूव करता है, तो इससे वो इजीली खेल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मेजरमेंट मिल जाता है, तो आप पानी या जो मिल्क होता है क्वांटिटी वाइज देख सकते हैं। सो इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, तो ये सिलिकन से बना है, सॉफ्ट सिलिकन है। दोनों बॉटल में जो ये सिपल लगा है गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी जो है क्वालिटी में है, साथ साथ में अगर आप इसे भर के उल्टा भी कर देते हैं तो ये बिल्कुल लीक नहीं होता है। बच्चे बहुत इजीली जब इसे पीना स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पानी या मिल्क मिल जाता है, बट ये लीक नहीं होता है। सो ये कुछ इस तरीके से है, दोनों ही मुझे कलर बहुत अच्छे लगे हैं, एंड कलर्स आप खुद देख सकते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत सारे कलर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है उसके लिए एक फुटवेयर, एंड ये जो फुटवेयर है गाइस ये है फ्रॉम क्यूट वॉक बाय बेबी हग, लाइक बेबी हग ब्रांड से ही है, क्यूट वॉक में है, एंड साथ साथ में ये कुछ इस तरीके का है, बहुत ही क्यूट सा है। तो ये कुछ इस तरीके से क्यूट सा है, इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे वो आप चेक कर सकते हैं। एंड ये ना थोड़ा सा साइज में बड़ा आ चुका है, बट मैं इसे चेंज नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वैसे भी उसको चाहिए ही होगा बाद में, इसलिए हमने इसे रख लिया। एंड इसमें आपको इस तरीके से साउंड मिल जाती है, तो बच्चे जब चलते हैं तो उनको बहुत अच्छी आवाज़ आती है, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। तो इसमें आपको अलग कलर्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ में साइज ऑप्शंस में मिल जाएंगे। मैंने 20 साइज लिया था एंड फिर भी बड़ा आ चुका है, बट ठीक है कोई बात नहीं। एंड इसी के साथ में बहुत कंफर्टेबल है, एंड ये जो रबड़ है गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में यूज़ किया गया है बच्चों की जो स्किन होती है उसके अकॉर्डिंग, एंड मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा डार्क कलर में चाहिए था, एंड साथ साथ में मैं चाहती हूँ उसे जल्दी से जल्दी पहन ले, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, इट्स ओके। सो यार, नेक्स्ट मैंने उसके लिए बहुत ही क्यूट से फुटवेयर्स लिए हैं, जो कि एक और चीज़ है, आपको वहाँ पे नॉर्मल शूज़ भी मिल जाएंगे, बट मैंने शूज़ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अभी समर से, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं चाहिए कि वो एकदम बंद बंद वाली चीज़ें पहने अभी, तो इसलिए मैंने ये सैंडल्स लिए हैं जो थोड़ा सा खुला खुला रहेगा एंड उसके लिए भी कम्फर्टेबल है। सो आप वो चेक कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो अपने बच्चे के लिए, आपके अकॉर्डिंग है कि आप अपने बच्चों को क्या पहनाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट, इसके बाद मैंने लिया है एक डायपर शीट, जो अभी है गाइस उसके पास एक डायपर शीट पहले से है, बट वो थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि
वो 6 महीने पहले का था, तो अभी वो थोड़ा सा ख़राब होने लग गया है। तो कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है। एंड ये जो डायपर शीट है गाइस, ये पूरा का पूरा क्लोथ मटेरियल का है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। हल्का सा कुशनी है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम डायपर चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको एक डायपर शीट ज़रूर चाहिए होगी। तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट में है, प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, क्यूट सा है। एंड इसमें आपको ये जो साइट है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिलती है, कम्फर्टेबल होता है, क्योंकि बच्चों की जो डायपर शीट होती है वो कम्फर्टेबल होनी चाहिए उनके लिए। बहुत सारा आपको मिल जाएगा, पॉलीथीन वाला मिल जाएगा, पैकेट वाला मिल जाएगा, तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सी अच्छी चीज़ चाहिए। एंड ये कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्रिंट्स में आपको और मिल जाएंगे, कलर ऑप्शन मिल जाएगा, गर्ल्स के लिए मिल जाते हैं, बेबी बॉय के लिए मिल जाता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट्स भी होता है। जो दूसरी साइड है वहाँ पे कुछ इस तरीके से है, दोनों ही साइड गाइस क्लोथ की है, अंदर से हल्का सा कुशनी है, स्टिचिंग मटेरियल बहुत अच्छा है, लाइक जो स्टिचिंग क्वालिटी है वो अच्छी है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे नहीं लगा था इतनी अच्छी क्वालिटी में है ये, बट जब मैंने इसे टच किया तो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा। एंड सीरियसली आप इसे अगर लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से थम्स अप, आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो लास्ट में मैंने लिया है बॉटल क्लीनर, क्योंकि बॉटल्स मैंने पिक की है, सिपर बॉटल, उसको क्लीन करने के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। एंड बच्चों की जो बॉटल्स होती है, बच्चों की जो चीज़ें होती है, उसको आपको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है, मैं इसे ओपन करके बता देती हूँ। एंड दिस इज़ मोरिसन्स बेबी ड्रीम्स, एंड ये है लॉन्ग हैंडल स्पार्कल क्लीनिंग ब्रश फॉर ईजी बॉटल एंड निप्पल क्लीनर। इसमें आपको निप्पल क्लीनर भी मिल रहा है, मैं इसे अभी ही ओपन कर रही हूँ, इसीलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से है, एंड साथ साथ में आपको छोटू सा एक निप्पल क्लीनर भी मिल रहा है। तो बड़ी वाली जो साइड है गाइस, ये आप इजीली इस तरीके से बॉटल को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड छोटे वाले को आप निप्पल क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैंडल बहुत ज़्यादा मजबूत है एंड आपको हैंगर भी मिल जाता है, तो आप इससे ईजिली कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। एंड अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हार्ड है एंड बहुत ही ईजिली आप इससे क्लीन कर सकते हैं। जो ब्रिसल्स है गाइस, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, साथ साथ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, तो बहुत ईजिली आप अपने बॉटल्स को क्लीन कर सकते हैं। सो यार, नेक्स्ट मैंने ये लिया है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए चेकआउट कर लीजिए। अपने बेबीज़ के लिए आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, आप फर्स्ट ट्राई से डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर क्वालिटी वाइज मिल जाता है, साथ साथ में आपको बहुत सारे ब्रांड ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप वो चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।